आजकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयेंद्र पांडे। 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिटेल यूजर्स के लिए अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। इसके आने के बाद आपको अपनी जेब में कैश लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आखिर इसका इस्तेमाल किया कैसे जाएगा, आइए आसान तरीके से समझते हैं। होलसेल के बाद अब रिटेल में इस्तेमाल के लिए कल से रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपी को देश की कुछ चुनिंदा जगहों पर रोल आउट किया जाएगा। होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं करती हैं, वहीं रिटेल करेंसी का उपयोग आम लोग कर सकेंगे। भारतीय करेंसी का डिजिटल स्वरूप ई रुपी को बैंकों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे लोग सामान खरीद सकेंगे। आपको बता दें, इस डिजिटल रुपया को पूरी तरह से आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। मतलब जैसे आप अभी किसी दुकान पर घर का राशन, दाल, चावल या दूध वगैरह लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, कल से आप ई रुपये का इस्तेमाल कर दुकान से ये सब खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपया को कल से मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे लॉन्च करने की तैयारी में है और इसमें SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल रहेंगे। इसके बाद इसे धीरे धीरे देश के अन्य शहरों में विस्तारित किया जाएगा। डिजिटल करेंसी का यूज P2P और P2M यानी व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन के लिए किया जा सकेगा। अगर आप किसी को ई रूपी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये P2P कैटेगरी में आएगा, और अगर किसी दुकान से दाल, आटा, चावल या कुछ और खरीद रहे हैं तो भुगतान पेमेंट टू मर्चेंट कैटेगरी में होगा। बता दें, इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसे हम अपना बैंक अकाउंट बैलेंस या फिर मोबाइल वॉलेट बैलेंस चेक करते हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आजकल न्यूज के साथ।